श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू आज नई सियासी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल हो गए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में मट्टू अपनी पार्टी में शामिल हुए। मट्टू के खिलाफ इसी साल जून में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें वो हार गए थे। अब दो दिन पहले ही वो फिर से मेयर बनने में कामयाब हुए हैं। माना जा रहा है कि इसमें अपनी पार्टी ने उनकी काफी मदद की है। जुनेद मट्टू नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी रह चुके हैं। जुनेद की को पार्टी में शामिल करते समय अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा था कि मसलों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से ही बात करनी होगी। तो हमारे नजीर जुनेद मट्टू का जो मामला है, पहले आइए सुन लेते हैं क्या कहना है। मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, इस वक्त तो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के साथ है या प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी आर अ यूनियन टेरिटरी। तो हमें वहीं जाके वहीं से मसले हल कराने, और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। हम जाते हैं, बिल्कुल ओपनली जाते हैं। मेरे मुल्क का वजीर आजम है और मेरे मुल्क का होम मिनिस्टर है, उनसे नहीं मसला हल उठाएंगे तो क्या लंदन के वजीर आजम के पास जाएं? और मैं बाकी सियासी पार्टियों से कहता, जब ये जाते हैं तो इनको भी उनके पास ही जाना है, मसला वहीं से हल होगा। अब आपने देखा, 8 महीने पहले जब हमने बात की, तब तो ये लग रहा था कि अल्ताफ बुखारी और इसकी इन लोगों ने सबसे बड़ा गुनाह किया। लेकिन यही आप देख रहे हैं डाउन द लाइन, 8 महीने में हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने ये कहा कि जो 1 महीने पहले ही बोला जो इलेक्शन लड़ेगा ये लानत है, फिर कहा हमें इलेक्शनों से कुछ नहीं। हमारा मानना है डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है इलेक्शन, हार जीत किसकी होगी वो लोग बादशाह हैं, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी से ही कुछ मिलेगा। और हमें और किससे क्या मिलेगा, और किससे क्या मिलेगा, हम मुझे नहीं लगता है और कोई कहीं से मिलेगा। इन सब लोगों को भी वहीं जाना है, वहीं से लेना है, क्योंकि पावर रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बुखारी का यही कहना कि लोकतंत्र से ही कुछ मिलेगा। नजीर, किस तरह से आप अल्ताफ बुखारी का यह बयान देख रहे हैं, और खास तौर से जो सईद मट्टू की, जुनेद मट्टू का जिस तरह से रुख रहा है, उसको वहां पे कैसे आंका जा रहा है? देखिये, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस पे स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। हम बताएंगे कि अपोजिशन ने ये बोला, लेकिन हमेशा अल्ताफ बुखारी पे इल्जाम लगा है कि ये किंग्स पार्टी यानी बीजेपी बैक्ड है, जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बता रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज बता रहे हैं। जैसे हमें अभी बता रहा था कैंपेनिंग के बारे में, वो कहते हैं बीजेपी और उनके जो सहयोगी हैं उनको कैंपेनिंग करने देते हैं, बाकी को खुलेआम कैंपेनिंग करने की इजाजत दी है, उन्हें अड़चने जो उनमें अड़चने लाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे। जुनेद मट्टू का जहां तक ताल्लुक है, वो 2 ही दिन पहले दोबारा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने, और आज उन्होंने उसी वक्त तकरीबन अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी जिसके सरबरा है उसने ज्वाइन किया। उसी वक्त महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसको करने नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मेयर श्रीनगर मेयर का अपनी पार्टी में शामिल होना, जाहिर सी बात है इसमें जो उसको वोट मिले, तकरीबन सभी बीजेपी और दूसरे जो लोग वहां थे उन सभी लोगों ने उसको वोट दिया, क्योंकि खुद अपनी कोई बड़ी पार्टी उसके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी में आना तो लग रहा है, साथ ही कौन से लोग थे अपनी पार्टी ने, जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट किया होगा इस इलेक्शन को जीतने में। और इससे पहले, सिर्फ इलेक्शन से 1 दिन पहले एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जो जिसको लोग किंग्स पार्टी कहते हैं, श्रीनगर का मेयर भी उस पार्टी में अब शामिल हो रहा है। ये सही है सियासी तौर पर, कितना अच्छा है या कितना खराब है वो शायद आने वाला वक्त बताएगा, या इसमें इसके पीछे क्या अटकलें होंगी वो तो शायद पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन बताएंगे। लेकिन जुनेद मट्टू का जो जहां तक पॉलिटिकल कैरियर है, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे, हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से चले गए और अपनी पार्टी में अब ज्वाइन किया, जब 2 दिन बाद जब वो श्रीनगर के मेयर दोबारा बन गए।